आपको लिखना है पेरेंट्स, क्या बोलेंगे पेरेंट्स, याद रखेंगे माँ बाप का मदर एंड फादर नहीं बोलते हैं, पेरेंट्स ही होता है माता पिता। नेक्स्ट बोलेंगे नेक्स्ट रस्मो रिवाज, रस्मो रिवाज तो क्या लिखा है मैनर्स एंड कस्टम्स, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे मैनर्स एंड कस्टम्स, मतलब हो गया क्या रस्मो रिवाज, मैनर्स एंड कस्टम मतलब रस्मो रिवाज। नेक्स्ट गोबर गणेश, हाँ इसे क्या लिखा है ब्लॉक है, स्पेलिंग BLOCK HEAD, यानी कि गोबर गणेश से यू आर ब्लॉक है, एक फ्रेज है एडम से ब्लॉक है। नेक्स्ट ऐसा आराम लग्जरी, ऐसो आराम की जिंदगी, तो LUXURY। नेक्स्ट नहीं उसके बाद बस फियर मतलब बस किराया। अंग्रेजी में बोलते समय आप इस सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं कि बस किराया है ना, तो क्या बोलेंगे बस फियर, बस फियर। नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल VEGETABLE, ग्रीन वेजिटेबल मतलब होता है साग सब्जी। नेक्स्ट इसे हम बोलते हैं दोस्तों कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड जो हमारे स्पोकन में बराबर ही यूज होता है, जैसे कि हमको बोलना है धूमधाम तो पंप एंड स्प्लेंडर बोलेंगे, हाँ उसके बाद चीर फाड़ तो ऑपरेशन होगा, बाता बाती हमें उससे बाता बाती हो गई, यानी एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, यानी ये सेंटेंस का इस वर्ड्स का हम लोग यूज करेंगे एक्सचेंज ऑफ नफा अनुसार प्रॉफिट एंड लॉस। बस फेयर मतलब बस किराया, बस किराया अंग्रेजी में बोल सकते हैं बस फेयर, बस फेयर। ग्रीन वेजिटेबल यानी साग सब्जी। नेक्स्ट कूड़ा करकट, कूड़ा करकट क्या क्या लिखा है गार्बेज, गार्बेज GA यहाँ पर GARBAGE गार्बेज लगाइए या तो रविश बोलिए ना, नहीं रविश 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 RUBBISH क्या होगा पूरा करकट का क्या बोलेंगे रविश या गार्बेज या रविश। नेक्स्ट क्या था दोस्त माँ बाप, माँ बाप का फादर मदर, माँ बाप का मदर फादर और MOTHER और फादर लिखना सरासर गलत होगा, पेरेंट्स होगा, मदर फादर नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे इसका हम वर्ड